तो कोई भी मॉप हो इंडिया में अगर आपने खरीदा है तो ये बिल्कुल गलती मत कीजिए जो कि वो लोग बताते हैं कि यू नो इस तरह से वो रखकर पैर रखकर आप उसको ऐसा निकाल सकते हैं। एक्चुअली कभी कभी निकल भी जाता है लेकिन आपको ऐसा एक्सपीरियंस भी हो सकता है। ये मैंने पैर रखकर निकालने की कोशिश की थी और ये न्यू मॉप था इसका ये निकल गया। तो क्वालिटी ठीक ठाक है लेकिन यू नो वो क्वालिटी नहीं है जो यूएस वगैरह या जो यूरोप में चलती है प्लास्टिक की। तो उसके लिए सेफर साइड में आप लोग क्या कीजिए कि ये यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर से या तो यू नो कोई भी आपके घर में कुछ पुराना कोई चम्मच वगैरह स्पून होगा या फोक होगा उससे आप यहाँ साइड में जो गैप है उसमें जाने की कोशिश कीजिए और एक बार आप अंदर चले गए हैं इसमें आप देख सकते हैं तो ये बहुत ही इजी होगा आपके लिए। बस सिंपल है। वहीं अगर आपको यू नो दूसरा मॉप लगाना है तो वो उसका तरीका भी सेम है और ये मॉप्स यू नो पता नहीं आपको शायद ये 150-200 रुपये में 3 का पैक कुछ मिल जाता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में ये स्क्वायर के लिए है लेकिन किसी में भी नॉर्मली फिट हो ही जाता है। स्क्वायर का तो मैं श्योर हूँ क्योंकि वही सेम मैन्युफैक्चरर है तो आप स्क्वायर का अगर यूज कर रहे हैं तो बेधड़क आप खरीद सकते हैं। वैसे ये जो उसमें दिया था उससे थोड़ा सा छोटा है ये लेकिन अच्छा है तो उसको आपको बस ऐसे जमीन पर रखना है और फिर यहाँ पर आप बेशक प्रेस कर दीजिए पैरों से और ये आपका मॉप रेडी हो जाता है। दैट्स इट। अब सेकेंड वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं अगर आपको बकेट को डिसमेंटल कैसे करना है ये सब देखना है तो यू नो सेकेंड वीडियो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो ये कर रहा हूँ क्योंकि ये स्पेशली स्क्वायर का जो बकेट खरीदा है जिन लोगों ने उनके लिए है तो मैं सेकेंड वीडियो में पोस्ट कर रहा हूँ। लिंक आपको यहाँ ऊपर मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। बाय बाय।